नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच हमेशा से एक जैसी ही रही, चाहे बात पड़ोसी पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर हो या आतंकवाद से निपटने को लेकर। लेकिन इस बार सारी हदें पार कर दी गई। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 19 अगस्त 2024 को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में 12 ऐसे व्यापक वादे हैं जिन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 और 35(a) को बहाल करने और 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेंगे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम 2019 को फिर से तैयार करने का प्रयास करेंगे। जम्मू और कश्मीर के लोगों के भूमि और रोजगार के अधिकारों की रक्षा करेंगे, यानी पहले की तरह भारत के दूसरे राज्यों के लोगों पर बैन लग जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करेंगे, जो मोदी सरकार आतंकवाद पर नकेल कसने को लेकर नहीं कर रही है। राजनीतिक कैदियों को एमनेस्टी देना, PSA और UAPA हटाना यानी आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार लोगों को माफी देकर जेल से रिहा करेंगे। कर्मचारियों की अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी यानी आतंकवाद के समर्थन की वजह से जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनकी बहाली की जाएगी। और राजमार्गों पर लोगों के उत्पीड़न मतलब सेना की जो कड़ी कार्रवाई और पूछताछ हो रही है उसे ये समाप्त कर देंगे। अब अगर इन बातों पर गौर करेंगे तो आर्टिकल 370 को फिर से लागू करेंगे। कश्मीरियों और पाकिस्तानी नागरिकों तक ही कश्मीर की जमीन को सीमित करने का प्रयास करेंगे, मानो पूरा देश कश्मीर में ही बस गया और जो रोजगार काम धंधे निवेश आया है वो फिर से शून्य हो जाएगा। घोषणा पत्र में विपक्षी पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत को बढ़ावा देंगे, लेकिन ऐसा क्यों? उस पार से आने वाले आतंकवाद पर प्रहार हुआ क्या? इसलिए क्योंकि इससे विपक्ष का भला नहीं होता क्या? इसलिए जरा सोचिए, अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन का 20 वर्षों तक अध्यक्ष रहा मियां अब्दुल कयूम भट्ट जून महीने में ही गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि उसने आतंकवादियों की मदद से एक विरोधी वकील को मौत के घाट उतरवा दिया था। वो कश्मीरी आतंकियों का केस भी लड़ता रहा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे ही राजनीतिक कैदी बताकर रिहा करेगी। ऐसे लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से बहाल करेगी जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की वजह से बर्खास्त किए गए हैं। वैसे एक वादा तो और भी किया है उमर अब्दुल्ला ने कि वर्ष 2000 में जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहते पास किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता की मांग थी, उसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया था। अब उसे फिर से पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अब ये संविधान के 16वें संशोधन की मजबूरी कहे या कुछ और कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने की बात नहीं कर रही, वरना वो ये भी कर देते। बाकी उनकी इस मांग में और पड़ोसी पाकिस्तान की मांग में कोई खास अंतर रह नहीं गया। सवाल ये नहीं कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, सवाल नीतियों का है। एक तरफ कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने का दंभ भरती है, तो उसके नेता और देश में सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्तर पर तोड़फोड़ और अलगाववादी नीतियां अपनाते हैं। दक्षिण में कांग्रेस की सहयोगी द्रमुक की बात करें तो वो सनातन परंपरा को ही मिटाने का संकल्प लेती है, तो उत्तर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत की शान जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिलाने, पाकिस्तान से बातचीत करने, आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की बात करती है। यानी विपक्ष का मोटिव साफ है कि वह सनातन को मिटाने और आतंकियों को पनाह देने का काम कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के तमाम बड़ी खबरों के लिए, राजनीति से जुड़ी हर एक खबर के लिए रितम के साथ जुड़े। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा,
इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।